मिसकैरेज का मतलब क्या होता है? मिसकैरेज का मतलब है भ्रूण की गर्भ में ही मौत हो जाना। महिला के प्रेग्नेंट होने के 20 हफ्ते तक अगर भ्रूण की मौत होती है तो इसे मिसकैरेज कहते हैं। 20 हफ्ते के बाद भ्रूण की मौत को स्टिल बर्थ कहा जाता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 30% प्रेगनेंसी मिसकैरेज की वजह से खत्म हो जाती है। आखिर क्या होते हैं मिसकैरेज के लक्षण? ब्लीडिंग, स्पॉटिंग यानी थोड़ा थोड़ा खून निकलना, पेट और कमर में दर्द होना, खून के साथ टिश्यू निकलना। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का मतलब मिसकैरेज ही हो, लेकिन ऐसा होने पर सतर्क जरूर हो जाना चाहिए। मिसकैरेज दो स्थितियों में हो सकता है। पहला, जब भ्रूण ठीक हो लेकिन दूसरी वजहों से ब्लीडिंग हो जाए। दूसरी स्थिति में अगर भ्रूण की गर्भ में मौत हो जाए। ऐसी सूरत में महिला के लिए अबॉर्शन कराना जरूरी हो जाता है। कई बार बहुत मेहनत वाला काम करने से, भारी वजन उठाने से या झटका लगने से मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक 18 से कम और 35 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं के मामले में मिसकैरेज की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन 18 से 35 के बीच की महिलाओं में मिसकैरेज कम सुनने को मिलता है। इस आयु वर्ग में मिसकैरेज हो तो उसका कारण उम्र नहीं बल्कि कोई दूसरी बीमारी या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मिसकैरेज से जुड़े कुछ मिथक भी हैं। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में पपीता और अनानास नहीं खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल कच्चे पपीते में एक एंजाइम होता है जिसकी ज्यादा मात्रा शरीर में चले जाने से मिसकैरेज हो सकता है। अगर कोई पका हुआ पपीता खाता है तो ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन रिस्क लेना ही क्यों है? कुछ दिन पपाया को बाय बाय कह दीजिए।